तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हो ऑल इक्वेशन हब बाय सेल्फ अभिनय चौधरी। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ऑल इक्वेशन हब चैनल में। तो दोस्तों, देखो पता है कोई पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना की तरफ से बहुत बड़ा बेटा आ गया पीजी के। पता है आपको रेगुलर वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 2, 3, 4 और 5 एमसीए 3 ईयर्स देख पा रहे आप सभी का जो भी एग्जाम फॉर्म था दोस्तों, एग्जाम फॉर्म भरा रहा है। और दोस्तों बात करें आप ऐसे बहुत सारे लोग जो भी एग्जाम फॉर्म भरने में अगर कुछ भी मिस्टेक कर दिए, गलती कर दी है, तो आगे क्या करना होगा। और भी बात करें अभी आपको पीजी एग्जाम फॉर्म और अभी पीजी एग्जाम को लेकर के क्या अपडेट आया है, ये सारी जानकारी हम आपको आज क्यों देने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देख पा रहे प्रीवियसली नोटिफिकेशन के द्वारा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपको पढ़ने को मिल जा रहा है कि देख पा रहे ये आपका दोस्तों शेड्यूल था सेमेस्टर 2 20 से 22, सेमेस्टर 3 पीजी करिकुलम की बात कर रहा हूँ 19 से 21, सेमेस्टर 4 18 से 20, और पीजी के वोकेशनल सेमेस्टर 2 20 से 22, सेमेस्टर 3 19 से 21 और सेमेस्टर 5 18 से 21 वाले के लिए। देख पा दोस्तों पीपीयू का यहाँ पर आपको पता है कि बिना विलंब शुल्क के आप 4 अप्रैल से 8 अप्रैल तक भर सकते हो फॉर्म, जिन्होंने अगर नहीं भरा है, और विलंब शुल्क उसके बाद लगेगा 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक। दोस्तों आपको पता होगा फी भी पीजी रेगुलर के लिए जनरल BC2 को 900 रुपये लग रहा है, BC1 SC ST कैटेगरी को 700 और विलंब शुल्क को 100 रुपया, जबकि पीजी वोकेशनल जनरल BC2 को 1520, BC1 उसको 940 और विलंब शुल्क 100 रुपया। और देख पा रहे दोस्तों ये सारी ऊपर जो भी कोर्सेज आपके पीजी सेमेस्टर यहाँ पर हो गए 2, 3, 4 देख पा रहे हो रेगुलर वोकेशनल। आप सभी के प्रैक्टिकल जो भी एग्जाम है देख पा रहे हो जानकारी संबंधित विभागाध्यक्ष से प्राप्त कर आपको अपने डिपार्टमेंट से प्राप्त करना है। देख पा रहे दोस्तों का एग्जाम शुरू नहीं होने वाला है बहुत ही जल्द, परीक्षा प्रोग्राम देख पा रहे बहुत ही जल्द यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आ जाएगी। अब दोस्तों बताते हैं कि अगर आपने अगर फॉर्म फिल कर लिया तो अच्छी बात है, कि नहीं कोई मिस्टेक आ रहा है, कि नहीं कोई एरर आ रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करना था वो देखो। तो उसके लिए आपको आना होगा वेबसाइट PPUP.AC.IN। आने के बाद आपको नीचे आना होगा दोस्तों। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन है एग्जामिनेशन पोर्टल पे फटाफट क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आओगे देख पा रहे एग्जाम फॉर्म आपका पीजी रेगुलर वाले के लिए यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है सेमेस्टर 2, 3, 4 पीजी वोकेशनल 2, 3, 4 आप बीएड का भी देखो भरा रहा था उस वक्त, तो आपको फटाफट दोस्तों इस पर क्लिक कर देनी। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका एग्जाम टाइप दोस्तों चूज कर लेना किस तरह का एग्जाम है, आप पीजी का रेगुलर स्टूडेंट हो या पीजी कैक्स स्टूडेंट या फेल स्टूडेंट, या पीजी के प्रमोटेड बैक हो, या पीजी वोकेशनल रेगुलर हो, या पीजी वोकेशनल स्टूडेंट फेल हो, या पीजी वोकेशनल प्रमोटेड हो, और कोर्स दोस्तों आपका कौन सा था वो कोर्स चूज करोगे। मानो स्टूडेंट मैं पीजी का रेगुलर कोर्स हूँ तो रेगुलर में क्या देखो का है अपना सेमेस्टर से चूज कर लोगे, और उसी प्रकार अगर आपका पीजी का वोकेशनल है तो वोकेशनल चूज करके अपने आप फिर ये सब चूज कर लोगे कोर्स। फिर दोस्तों आपको सर्च करना होगा, सर्च किससे करना होगा वो देखो दोस्तों यहाँ पर। सर्च करने के लिए आपको रोल नंबर यूज़ करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रोल नंबर डाल दीजिए, फिर रोल नंबर दोस्तों डालने के बाद यहाँ पर आपको फादर नेम डालोगे और कैप्चा लगा के सर्च पे क्लिक करो। अगर रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा है, इनकरी डेटा बता रहा है दोस्तों, आपको डेटा यहाँ पर चेक कर लेनी है अपना मदर नेम डाल करके, फिर सर्च पर क्लिक करिए। सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों पोर्टल खुल जाता है, आपको वहाँ पर आपके सारे डिटेल्स पूछे जाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट, आपके यहाँ पर कुछ अकेडमिक डिटेल्स, कुछ पर्सनल डिटेल्स, और आपको कुछ वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स बेसिकली। वो तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जनरली फोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड करनी है। फिर दोस्तों उसके बाद क्या करनी है, उसके बाद आपको वहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट करना होगा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का। तो दोस्तों एग्जामिनेशन फी का जैसे आप फॉर्म पेमेंट करते हो, अगर रीपेमेंट करना चाहते हो तो उसके ऊपर यहाँ पर आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे दोस्तों आपने जो फॉर्म भरा उस फॉर्म का नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको बस बेसिकली कुछ नहीं दोस्तों करना है, आपको अपना जो भी सब्जेक्ट से आपने जो भी सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हो आप वो सब्जेक्ट अच्छे से चूज़ कर लीजिए, पेपर से चूज़ कर लेंगे, किस भाषा में एग्जाम देना है, इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, वो सारी डिटेल्स चूज़ कर लोगे, आप फॉर्म भर लोगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना या मुझे इंस्टाग्राम या आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों आप फॉर्म तो भर लिए, आपको पेमेंट करना हो दोबारा या पेमेंट आपको उसके बाद करना हो फॉर्म भरने के बाद, तो देख पा रहे यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर डालना होगा 22 को छोड़ के, उसके बाद जो भी नंबर है डेट ऑफ बर्थ डालो, कैप्चा के सर्च पर क्लिक करो, फिर आपका फॉर्म हो जाएगा पेमेंट। पेमेंट करके आपको वहाँ पर उसका प्रिंट कर सकते हो एग्जाम फॉर्म यहाँ से। और दोस्तों आप अपना फॉर्म नंबर आपको पता नहीं है तो उन्होंने फॉर्म से पहचान सकते हो, कैसे पता करना होगा वो देखो। तो आपको कॉलेज पर चूज़ करना होगा आपको जो भी कॉलेज है, फिर उसके बाद देख पा रहे हो आपका क्या कोर्स था दोस्तों पीजी का, फिलहाल भी फॉर्म भरा रहा है तो अपने यहाँ पे पीजी का कोर्स चूज़ कर लोगे, किस सेमेस्टर का है, जेंडर और अपना नाम, और ये कैप्चा के सर्च पे क्लिक करोगे, जिससे क्या होगा आपको यहाँ पर आपका फॉर्म नंबर शो करने लगेगा, जिस फॉर्म नंबर को आपको यहाँ पर रीपेमेंट करने के लिए यूज़ करोगे यहाँ पे फॉर्म नंबर आपको डालना है 22 के बाद का जो भी नंबर हो, और डेट ऑफ बर्थ, और सर्च पे आके क्लिक कर देना है। अब जो बताते हैं दोस्तों आप सभी ने एग्जाम फॉर्म तो कल फिल कर लिया होगा, अब जिनको जो भी अगर एरर आ गया, जो भी मिस्टेक आ गया फॉर्म फिल करने में, तो वो क्या करेंगे वो देखो। दोस्तों बात करें एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना होगा अपने कॉलेज, याद रखें जरूर। हार्ड कॉपी में क्या सबमिट करोगे, तो अपने एग्जाम फॉर्म जो भरा है उस एग्जाम फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लोगे, और जो पेमेंट रिसिप्ट था वो। और दोस्तों देख पा रहे हो कि सभी कॉलेज के प्रधानाचार्यों और को सूचित किया जाता है कि छात्रों द्वारा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद महाविद्यालय में जमा हार्ड कॉपी में पाए गए निम्न फील्ड की त्रुटियां, मान लो कोई आपसे गलती हो गया, गलती अगर मान लो कोई भी मिस्टेक हो गया एग्जाम फॉर्म फिल करने में, तब क्या करोगे गाइस वो देखो यहाँ पर।
तो आखिरकार में पाए गए निम्न फील्ड के त्रुटियां के सुधार का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप अपने से नहीं करेक्शन कर सकते दोस्तों, आपको जो भी करेक्शन कराना है आपको इस तरह से लिख करके एप्लीकेशन उसमें वो चीज़ लिख करके आपको अपने कॉलेज में प्रिंसिपल को जमा करना होगा। तो एक बार उस फिर वो लिंक से प्रिंसिपल क्या करेंगे आपका स्कूल में त्रुटि को सही कर सकते हैं। तो अब क्या क्या चीज़ है मान लो आप चेंज कर सकते हो, आपका एग्जाम फॉर्म भरने में मिस्टेक हो गया था, आप अपने मदर का नाम कोई मिस्टेक है वो करेक्शन कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन होगा, जेंडर सब कैटेगरी नेशनलिटी डोमेस्टिक स्टेट से रहने वाले हो, रिलीजन करेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मीडियम किस मीडियम आपको एग्जाम देना है, आधार नंबर फोटो सिग्नेचर एग्जाम फॉर्म रीप्रिंट और पेपर को आपको रिफिल करना हो, वेरीफाइड करना अनवेरीफाइड और देख पा रहे हो। फिर निम्न फील्ड की त्रुटि में सुधार के लिए महाविद्यालय स्तर पर से संभव नहीं है ये देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर आपको नाम स्टूडेंट नेम फादर नेम और कास्ट कैटेगरी यहाँ पर दे करके ठीक पा रहे हो। फिर यहाँ पे कॉलेज वाले काम करेंगे अपना कॉलेज वाले लॉग इन कर लेंगे ठीक है। कॉलेज लॉगिन कैसे करेंगे गाइस वो भी स्टेप यहाँ पर दिया, आपको बस ये सब कुछ नहीं करना है, बस आपको ये सारे जो भी डिटेल्स आपको भर के अपने कॉलेज में जमा करना है। अगर आपको कोई भी करेक्शन कराना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के आप सभी के पीजी के जो सारे अभी आपने देखा सेमेस्टर वाइज अभी फिलहाल एग्जाम फॉर्म भरा रहा है दोस्तों, तो ये सभी एग्जाम्स फॉर्म का दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट हो मन में कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट जरूर करें और हमारा टेलीग्राम चैनल इस पर जुड़ना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।